हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाते हैं मटर की कचौड़ी और उसके साथ चटनी। यहाँ मेरा हाथ कट गया थोड़ा सा छिलने में। खैर, यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें दो आलू को मैंने ऐसे मैश करके या फिर ये कद्दूकस करने वाले से ऐसे घिस के इसमें डाल दिया है। इससे ना आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा डाला है नमक अपने स्वादानुसार और एक से डेढ़ चम्मच छोटा वाला चम्मच जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो वाला तेल यूज़ किया है। और इसको डाल के एक अच्छा सा डो लगा लेंगे। आटे से रोटी, जो आटे वाली रोटी होती है उससे थोड़ा सा हल्का मुलायम आटा हमें लगाना है, जिससे कि फिलिंग भरते समय फटे ना। मटर की कचौड़ी तो सभी लोग बनाते हैं, एक बार आप ऐसे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी और बिना फटे हुए बनेगी। यहाँ मैंने लिया है मटर। मैं इसको क्या करूँगी ना, एक सीटी लगा लूँगी प्रेशर कुकर में, थोड़ा सा पानी डाल के, जिससे कि ये जल्दी गल जाएगा और मसाला भी जल्दी तैयार हो जाएगा। कढ़ाई में भी कर सकते हैं आप, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें क्या है, एक डेढ़ सीटी में ये जल्दी से गल के तैयार हो जाएगा और फिर पानी इसका ड्रेन कर लेंगे हम। तो कुकर चढ़ा दिया है, साइड बाई साइड हम थोड़ा सा चटनी की तैयारी भी करते चलेंगे। तो यहाँ मैंने अदरक, मिर्चा, लहसुन, प्याज और टमाटर ये सब पहले से चॉप कर लिया है। तो एक टमाटर की चटनी इसके साथ बनाएंगे। अब पराठा बन रहा है तो कुछ उसके साथ चटपटा भी तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से ही लहसुन अदरक काट लिया है और थोड़ा कचौड़ी में जाएगा, थोड़ा टमाटर की चटनी में। और यहाँ मेरा मटर हो गया है, ये देखिए एकदम बढ़िया। और इसका पानी निकालने के लिए इसको छन्नी में रख दिए, जब तक छनेगा हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बोलिए, सब्जी बोलिए, जैसे बोलिए, मुझे तो ये रोटी पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो एक कढ़ाई लिया, उसमें डाला है सरसों का तेल, थोड़ा सा डाला है राई और जीरा। और जब ये कड़क जाएगा तब इसमें हम लहसुन, मिर्चा और अदरक डालेंगे। यहाँ मैंने लहसुन, मिर्चा, अदरक थोड़ा ज़्यादा ही काटा है। और थोड़ा सा डालेंगे हींग, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल अवॉइड कर लीजिएगा, बट मुझे तो अच्छी लगती है। यहाँ मैंने डाली है ग्रीन चिली, लहसुन और अदरक। इसको अच्छे से भूनना है हमें, अच्छे से भून जाएगा तब इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, सॉरी प्याज डालेंगे। ये देखिए सॉटे हो गया, ये मतलब भूरा नहीं करना है, हल्का सा कच्चापन निकल जाए। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, सारे प्याज डाल देंगे। ये करीब एक बड़ा प्याज है और मैं इसको अच्छे से इसको भून लूँगी। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि ये चुकंदर है। आजकल टमाटर मेरे यहाँ इस तरह से आ रहे हैं, बहुत लाल नहीं है, तो चटनी में कलर लाने के लिए मैं चुकंदर का यूज़ कर रही हूँ। और इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है चटनी में, इसका मैं जूस यूज़ करूँगी बस इसमें। और अगर आपके पास रेड चिली पाउडर हो जो कलर वाला होता है ना, वो भी आप डाल लेंगे तो टेस्ट आपका आ जाएगा, कलर भी आ जाएगा, बट चुकंदर से भी एक अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ मैंने टमाटर डाल दिया है, देखिए कैसा हल्का हल्का कलर का टमाटर है ना, तो कलर अच्छा आना भी बहुत ज़रूरी है, खाना देखने में भी अच्छा लगना चाहिए तो भूख बढ़ जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा डाला है नमक और इसको चला के इसको ढक के अच्छे से पकाएंगे, टमाटर एकदम अच्छे से गल जाए तब तक इसको ढक के पकाते हैं। ये देखिए ये हो गया है, आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए ये गल गया अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम चुकंदर का रस। मैं पूरा चुकंदर नहीं डाल रही हूँ, ऐसे मैं इसको निचोड़ लूँगी, इसका जो रस बचेगा वही मैं इसमें डालूँगी। देखिए अच्छे से निचोड़ लिया है और मैं पूरा ही डाल दूँगी। अब इसमें क्या करेंगे, इसको चलाएंगे, थोड़ी सी डाली है चीनी, थोड़ा सा और नमक डाला है, टेस्ट करने पे थोड़ा सा कम लग रहा था, चीनी बहुत थोड़ी से डालिएगा जिससे कि ये ना खटास को मेंटेन करता है। यहाँ मैंने डाला है रेड चिली पाउडर तीखेपन के लिए। और यहाँ डाला है मैजिक मसाला, मैजिक मसाला से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके अलावा फिर हमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डालेंगे खूब सारा धनिया, इससे टेस्ट भी आता है, कलर भी आता है और सेहत के लिए भी अच्छा है। तो अच्छे से मिला लेंगे और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही साथ हम मटर की कचौड़ी बना रहे हैं तो मटर को भी भून लेते हैं और उसको मैश कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है,
इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, पहले से काट के रखा था लहसुन, अदरक, थोड़ा सा भुन जाएगा तब इसमें मटर डाल देंगे और मटर डालने के बाद इसको अच्छे से मैश करेंगे। अगर आपके पास ऐसा मैशर नहीं है तो आप किसी कटोरी या गिलास की सहायता से भी अच्छे से मैश कर लीजिएगा, आराम से हो जाता है, किसी टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा पाउडर और साथ में डालूंगी थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। ये सब डाल के बेसिक मसाले अपने घर वाले डाल के अपनी बेटी के लिए मैं थोड़ा सा बिना मिर्ची वाला निकाल लूँगी क्योंकि वो तो मिर्चा खाती नहीं है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा उसके लिए निकाल के घर की कुटी हुई लाल मिर्चा मैं इसमें डाल दी और खूब सारा धनिया। अब बनाएंगे हम इसके पेड़े। थोड़ा सा लोई काट ली है, देखिए कितनी सॉफ्ट है एकदम, और इसको आटा लगा के थोड़ा सा गोल करेंगे जिससे कि इसमें हम मसाला भर सकें। अच्छे से मसाला फिल करेंगे खूब ढेर सारा और ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, और इसको एकदम पतला जितना भी आप पतला बेल सकते हैं आराम से ये बेल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं फटती है क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा मोयन भी लगाया है और आलू भी डाला है। ये देखिए ये एकदम बढ़िया से सिक के और ये फूलती भी है, फटेगी भी नहीं फूलेगी भी, आप देखिएगा अभी ये खूब अच्छे से फूल के निकलेगी। मैंने पलट दिया है इसको, अब लगाऊंगी ऊपर से। आप देसी घी लगाना चाहें तो देसी घी लगाइए, या आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो ऑयल लगाइए, मैं देसी घी लगा रही हूँ। अच्छे से घी लगाऊंगी मैं इसमें और ये देखिए ये फूलने लगा है, इसको दबा दबा के सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा पराठे को ना दबा के, स्टफ़ वाले पराठे को नहीं सेकना चाहिए, बस हल्के हल्के हाथ से इसको दबाएंगे और एक से दो बार में ही देखिए बढ़िया बन के निकलता है। ये देखिए एकदम पतला सा, चटनी के साथ, दही मक्खन के साथ एंजॉय कीजिए, खूब टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।